जबलपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक व एसपी ने जुन्नारदे थाने का किया औचक निरीक्षण। जबलपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक भगवत सिंह चौहान छिंदवाड़ा दौरे के दौरान अचानक जुन्नारदे थाने पहुंचे। उनके साथ पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल भी रहे। इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम थाना प्रांगण में बने कर्मचारियों की कॉलोनी का निरीक्षण किया एवं परामर्श केंद्र माल खाने सहित थाने की संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जवानों से चर्चा में श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान कोरोना काल में सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। निरीक्षण के दौरान पुलिस SDOP SK सिंह, थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह बिसेन सहित पुलिस महकमा मौजूद रहा। आप लोग सब यहीं के द्वारा आज जिन्नारदे थाने का निरीक्षण किया गया, क्या निर्देश दिए गए सर? देखिए, ये आकस्मिक निरीक्षण है इस जिले का और हम बिना बताए आज यहाँ थाना जिन्नारदे में हम आए हैं। तो यहाँ पर हमने कैंपस की साफ सफाई का अवलोकन किया और यहाँ अभी जो उपस्थित स्टाफ है उन लोगों के साथ चर्चा की, बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। और अभी कोरोना संक्रमण के दौरान हमको जो पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी करनी है, जो कर्मचारियों को ड्यूटी करनी है, उस संबंध में हमने उनको सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि समाज में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है और पुलिस के लिए बहुत चुनौतियां होती जा रही हैं। पुलिस चूँकि सामूहिक रूप से रहती है, सामूहिक रूप से कार्य करती है, तो हमको जो है खतरा ज़्यादा हो जाता है और हमको गश्त भी करना है, हमको असामाजिक तत्वों की धरपकड़ भी करनी है, हमको गुंडा विरोधी अभियान भी चलाना है, समर्स वारंट की तामीली भी करनी है, पुराने केसेस में जो फरार अपराधी चल रहे हैं उनकी भी धरपकड़ करना है। और इसके अलावा अभी भी जो असामाजिक गतिविधियां हैं, जुआ, सट्टा, शराब, उनकी भी समय समय पर धरपकड़ और उन पर कार्रवाई करना है। नॉर्मल रूटीन में जो क्राइम होते हैं उनके अपराधियों को पकड़ना है। तो वो सब किस तरह से हमको अभी इस दौरान सावधानियां रखनी हैं, कैसे फेस शील्ड का, फेस मास्क का, ग्लोव्स का, सैनिटाइजर का, साफ़ सफाई का कैसे उपयोग करना है, वो संबंध में चर्चा की है और कैंपस का अवलोकन किया। यहाँ भी हम TI SDOP से बैठ के भी चर्चा हमारी होगी, तो क्राइम वर्क पे भी हमारी चर्चा होगी। इन्हीं सब बातों के अवलोकन और निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।